होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी, वही जो काशिफ साहब जिस तरह हां जो वो मफरूर इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनकी तस्वीर आ गई और सारा कुछ पीछे। अरे बाप बताना तस्वीर क्या वैसे कॉन्टेक्स्ट की नहीं आती? आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तक काचू हो गए? नहीं वो तो बेसिकली तो फिर ये कहा जा सकता है ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूं एक तस्वीर पे इतना शोर पड़ गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और क्या लाइव दिखाई गई? इस दफा लाइव नहीं दिखाई जा रही। सवाल तो ये है कि इस दफा क्यों लाइव नहीं दिखाई? और इस्तेकाक सुप्रीम चीफ जस्टिस का बिल्कुल है, लेकिन कोई तो लॉजिक भी देनी पड़ेगी ना कि पिछली क्यों की, इस दफा क्यों नहीं की। जैसे मैंने लेकिन इस्तेकाक है बाय रूल बाय कानून, ये पाकिस्तान में इस्तेकाक है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलाउ करते हैं चीफ जस्टिस को कि उनकी मर्जी है, लेकिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है तो इसलिए जब ये मुबैना तौर पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश तो किया गया मगर इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हेयरिंग थी वो सारी की सारी लाइव दिखाई जाती रही मगर इमरान खान को क्यों लाइव नहीं दिखाया गया? इसी पर आज बात करते हुए इरशाद भट्टी और काशिफ अब्बासी ने काजी फैज ईसा को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया। आए पहले इरशाद भट्टी और काशिफ अब्बासी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। भट्टी साहब, ये आपने खान साहब को जो अलाउ किया उसके अंदर कोर्टरूम के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे वो मेरे ख्याल में कोर्टरूम नंबर वन में कितना 100-150 लोग आ जाते हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं शायद आ सकते इतने ही आते हैं, जितनी वहाँ पे कैपेसिटी इतने ही आते हैं। 100-150 को अगर ऑडियंस दे दी गई है कि जी ठीक है आप देख लें तो फिर बाकियों को भी अलाउ करते हैं वो भी देख लें। देखिए एक तो मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें, हाँ जानी जानी कह लें, दिल द जानी कह लें, जो भी कह लें, ये कह लें क्यों भाई बानी चेयरमैन, क्या क्यों फॉर व्हाट, और क्यों नहीं तस्वीर, क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए, जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी, आज मैं इसके खिलाफ हूँ, आज इमरान खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इसमें वो थे सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद पटिशनर मुद्दई इस केस में, इस केस में अगर वो अपने दलाइल देना चाहते वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह लाइव समात फाइजा काजी साहब करवा रहे थे करवा देते थे, कोई अर्ज नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह रोकते हैं किसी चीज पे पर्दा डालते हैं, आप देखें अभी थोड़ी देर पहले मियां साहब के हवाले से केस बिल्ड किया आपने, फरमाया कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए था, तो फिर इस तरह तो खान साहब की भी जो मीडिया कवरेज होती है या जब वो जर्नलिस्ट जाते हैं अडियाला में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जाते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना रद्द अमल देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बहुत कुछ बोलते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खैर वो तो प्रिंट हो रहे हैं तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। एक था, एक होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी, वही जो काशिफ साहब जिस तरह जो वो मफरूर इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनको अदालतें बुला रही थी, उनको कह रही थी कि आप निजाम की तस्दीक करके गए, झूठ बोल के गए, अब आप वहां बैठकर इस निजाम पर हंस रहे होंगे, और बार बार बुला रहे थे वो नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जब वो आ नहीं रहे अदालतों के कहने पे, एक हमारे कुछ साफियों ने वो एक दरखास्त भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो पहले सरेंडर करें, इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किया हुआ, तो उनका था कि पहले सरेंडर करें, अपना इश्तियारीपन खत्म करें, इस मुल्क में आए और फिर करें। और फिर एक डिस्टिंक्शन कर लें, बहुत से लोग सियासतदान पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज साहब के साथ ही हो चुका है कि वो उनको मफरूर करार देकर कन्विक्शन भी कर दी गई थी मुशर्रफ साहब के दौर, तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले वापस आए फिर बात करें, ये बड़ी देखिए ये बड़ी डेलिकेट बैलेंस है कि किस वक्त कौन क्या करे, तो इस वजह से जो भी करना है एक असूल तय कर लें, और असूल ये ना हो कि जी आपके हुकूमत देखिए अगर आपने कहा आप करेंगे आपके हुकूमत मेंबर बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस तो चाहे तो उन्होंने तो तय कर दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया कि अगर एक शख्स मुजरिम है तो वो लाइव नहीं दिखाया जाएगा, वो तो कर दिया ना प्रेसिडेंट आज सेट हो नहीं, जब मुजरिम अदालत जाता है उसको लाइव नहीं दिखाते क्या? नहीं अब तो अब नहीं दिखाएंगे, बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, अब तो बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, वो तस्वीर भी नहीं दिखाई जाएगी, तस्वीर तो आगे तस्वीर तो पहले भी आती है, इस दफा तस्वीर में इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या, एक तस्वीर आगे और सारा कुछ पीछे। मुझे बात बताना तस्वीर क्या वैसे कॉन्वेक्स की नहीं आती? आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई? नहीं वो उसमें ये था कि जी व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा या फोन वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम, भाई जब ये अंदर से आप लाइव ट्रांसमिशंस करवा रहे हैं। नहीं इसमें तो नहीं थी, इसमें तो नहीं थी, इसमें तो नहीं थी ना, वही तो कह रहा हूं गरीदा, ये तस्वीर के ऊपर तहकीकात हो रही है, तस्वीरें माजी में भी आई है, वो हुसैन नवाज की गालबन आई थी जीआईटी में, हुसैन नवाज की आई थी ना, तो तस्वीर की ये तस्वीर किस तरह कहां से आई, ये तस्वीर किसने निकाली, इट वाज इन अ पब्लिक फोरम, ये तो पब्लिक फोरम है, दिस इज अ पब्लिक फोरम। हां जी गरीदा, मंसूर खान साहब मैं कमेंट करना चाहूंगी, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग जो है, एक तो दो रुकनी जजेस की कमेटी बनी हुई है जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर के हवाले से और उसमें है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनेट जज, लेकिन वो कमेटी बनी हुई है, लाइव स्ट्रीम कौन कौन से मुकदमात होंगे, सिर्फ जो 1843 के तहत है, ये जो नैब तरमीम का केस है ये प्राइमरली बेसिकली 1843 का केस नहीं है, गरीजा एक प्रॉब्लम ये है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में पिन पॉइंट हो रही थी कि पिछली तारीख में और इस तारीख में जिस चीज का फर्क है वो है इमरान खान साहब,
कि इमरान खान साहब आज इस तारीख के अंदर शामिल थे। आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम थी आप पिछली दफा भी ना दिखाते, लाइव कवरेज उस वक्त हुई तो इस मतलब बेसिकली तो फिर यही कहा जा सकता ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है, आप उनको सवाल करना चाहते हैं बेशक आप उनसे सवाल करें। YouTube जो है आप सुप्रीम कोर्ट की जो लिंक आ रहा है जो लाइव कवरेज वो तो YouTube पे आ रही है तो YouTube पे मेरा कंसर्न नहीं आता। कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये डिस्क्रिशन है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, उनका डिस्क्रिशन है बाय रूल, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मुकदमे की YouTube पे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नहीं करते, किसी की इजाजत देते हैं कि नहीं देते, इस पे सवाल करना है तो चीफ जस्टिस से बेशक सवाल कर सकता है, पाकिस्तान के कोई भी शहरी को एप्लीकेशन लेके भी जा सकता है। काशिफ साहब एक तो वो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी दिखाएं ना दिखाएं कौन उसको कह सकता है। और पीटीआई ने उन्होंने कहा जी गरीदा साहब ने कि उन्होंने पहले पोजीशन ली हुई है, अब मॉरल स्टैंडिंग नहीं रहती उसके बाद, आप किस तरह कहेंगे कि पीटीआई की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पे, तो एक प्रोसीडिंग हुई जो पिछली दफा लाइव दिखाई गई, इस दफा लाइव नहीं दिखाई जा रही। सवाल तो ये है कि इस दफा क्यों लाइव नहीं दिखाई, ये पहली प्रोसीडिंग है शायद जिसमें कल शायद मेजोरिटी प्रोग्राम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये लाइव चलेगी, क्या इमरान खान की तकरीर लाइव चलेगी, और क्यों कर रहे थे क्योंकि ये एक बड़ी नई सिचुएशन है जो बन रही है, इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही हो सुप्रीम कोर्ट की और कोई इमरान खान जैसा बंदा या नवाज शरीफ या कोई और पेश भी हो रहा हो वहाँ पे, तो इस वजह से ये बहस चल रही है। ठीक, और इस्तेहकाक सुप्रीम चीफ जस्टिस का बिल्कुल है, लेकिन कोई तो लॉजिक भी देनी पड़ेगी ना कि पिछली क्यों की इस दफा क्यों नहीं की। जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर पर इतना शोर पड़ गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और क्या तस्वीर पहली दफा बाहर आई है, तस्वीरें बाहर आती रही हैं, ना सिर्फ तस्वीरें बाहर आती हैं आप तो लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं, तो एक तस्वीर से अब क्या हुआ वो ज़ाहिर है, क्योंकि ये सियासी मामला है। अच्छा बात ये सियासी मसाइल है, चीफ जस्टिस आपको नहीं पसंद, अगर इसमें जी कुछ कह रही है गरीदा नहीं, काशिफ साहब माजरत के साथ, वो तस्वीरें या जो भी चीजें सामने आई मैंने अभी आपको हवाला दिया 2013 का, कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का एक अलविदाई हो रहा था रेफरेंस, उस वक्त तस्वीर वीडियो बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया था, कार्रवाई उस पर शुरू हो गई थी। जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है तो हो सकती है, इस्तेहकाक है, खुली इस्तेहकाक है, कोई चैलेंज करना चाहता है कोई शहरी, काशिफ साहब चैलेंज करना चाहते हैं, कोई और चैलेंज करना चाहता है कर सकता है इसको, लेकिन ये इस्तेहकाक है बाय रूल बाय कानून, ये पाकिस्तान में इस्तेहकाक है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलाउ करते हैं चीफ जस्टिस को कि उनकी मर्जी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको भी अंडर चेक रखा, उसको भी एक कमेटी बना दी, दो जजेस की जो मैंने पहले भी गुजारी थी, लेकिन वो सिर्फ एक सवाल यहाँ पे, बेशक इस्तेहकाक है कोई उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन सवाल ये कि क्या उस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा, असल सवाल तो फिर ये है ना, उस इस्तेहकाक के इस्तेमाल का सवाल है, इसमें क्या गलत इस्तेमाल क्या हुआ, यही तो सवाल है कि जब आप एक लाइव कवरेज करवा रहे हैं आप सारा कुछ दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उसके बाद एक तस्वीर खींचने के ऊपर इस्तेमाल हुआ, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस्तेमाल सही हो रहा है आपकी नजर में, इस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है। देखिए चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, मैं इससे एग्री करती हूँ, अगर मैं डिसएग्री करती मैं जरूर इस पे जाके पिटीशन डाल देती, मैं जरूर इस पे क्वेश्चन करती कि जी आपने फलां केस नहीं दिखाया, आपने फलां केस दिखाया, ये सुप्रीम कोर्ट उनको इस्तेहकाक देता है, इससे पहले ये इस्तेहकाक चैलेंज क्यों नहीं हुआ, यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। जस्टिस बंदियाल नहीं दिखाते थे, क्यों नहीं हम चैलेंज करते थे, जस्टिस साकेत निसार नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था जहां से फैसले आ रहे होते थे सुना दिए जाते थे आके, तो हम तब क्वेश्चन क्यों नहीं करते, हम सबको क्वेश्चन करें ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है। कहां से फैसले आ रहे होते थे गरीदा, क्या फरमा रही हैं आप, जहां से भी फैसले आ रहे होते थे, जहां से भी आ रहे होते, क्या आप नहीं जानते, नहीं मुझे नहीं पता, ये काशिफ साहब पूछ रहे हैं, काशिफ क्यों आपको लगता है, मुझे पता है आपको, मुझे क्या पता है काशिफ साहब, मेरा तो ख्याल है जजेस को फैसले करते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन ये वो कह रही है इस्तेहकाक है ना, तो अगर चीफ जस्टिस की मर्जी है भाई आपको इससे क्या मतलब, नहीं बात ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाए जाकर पिटीशन, नहीं ये तो आर्गुमेंट इसका मैं उनकी उनका एक राइट है, इस्तेहकाक है बिल्कुल है, हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछली पेशी के मुकाबले में इस पेशी में कि ये पेशी लाइव नहीं दिखाई, और मुझे तो एक ही एलिमेंट नजर आता है जो इजाफी था इस दफा, और वो थी इमरान खान साहब की मौजूदगी, और वो एक वीडियो लिंक के जरिए वहाँ मौजूद, हालांकि वो नहीं बोले लेकिन फिर भी वो नहीं दिखाई गई, सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं दिखाई गई, उसकी वजह इमरान खान साहब है क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे। अब उसकी वजह क्या है, वो कॉन्विक्ट है क्या, वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे ख्याल एसओपी का ऐलान शायद आज फैसले में बताया जाएगा कि क्यों नहीं किया, आई एम श्योर बताएंगे। तो भट्टी साहब आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, क्या वो इनको हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर देखें चीफ जस्टिस की, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है जो मेरे ख्याल में अभी तक मिस हो गया, वो ये है कि चीफ जस्टिस की नीयत के हवाले से या उनको इमरान खान साहब से प्रॉब्लम होती तो वो वीडियो लिंक की इजाजत ही ना देते, नहीं दे रहे, नहीं पहली बात दी, नहीं पहले तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब इसका मूड नहीं था, चीफ जस्टिस साहब का अपोज कर रहे थे आइडिया को, अच्छा मिनल्ला साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर एक आदमी को अनहर्ड नहीं दिया जा छोड़ा जा सकता, अगर वो बोलना चाहते हैं तो फिर उनका राइट है बोलने का, तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं ना, माना ना उन्होंने, माना नहीं 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 भाई, नहीं ये तो भाई आप इसको हेड करना या वो नहीं करना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो वकील भी नहीं है, इमरान खान की बात कर रहे थे, वो वकील भी नहीं है, वो क्या दलाइल दे पाएंगे मुझे, क्या अदालत को कन्विंस करेंगे, इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो पटिशनर हैं, उनका हक क्या, हम उनसे हक नहीं ले लेते, फिर समाअत में 5 मिनट का वक्फा हुआ, फिर पीछे गए, उसके बाद सारे जजेस गालबन उन्होंने कन्विंस किया होगा या ज्यादा राय इस हक में आई होगी कि बुलाया जाए, फिर बुलाया गया, ठीक, और फैज सकाई साहब का मूड नहीं था, और इसी तरह आज ज्यादा लोगों की राय ये होगी कि नहीं नई लाइव कवरेज दिखाई, हां हो सकता है, हो सकता है, मुमकिन है, उसूल बना रहे हैं, ऐसे भी मुमकिन है, हो सकता है, हो सकता है, और मे बी दे हैव गुड रीजंस टू डू इट, जैसे मैंने कहा, लेकिन आप सारे बोलते रहे
बोलने वालों का कोई पता नहीं चला, एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बिठाने का और ना दिखाने का, कब तक करेंगे? अच्छा वैसे ये जो हावी होने की आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में आज भी वो सिस्टम पे इतने हावी हैं, मतलब उसी तरह चल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के हाथ में बार बार यहाँ पे हम जिस बैठक में बैठते हैं वो कहते हैं हाँ जी कितनी देर, कितनी देर ये सिस्टम चलेगा? सिस्टम तो चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ होता है। आपके दो हैं, एक है कि सिस्टम चलेगा, एक है कि हामी है, बिल्कुल हामी है। पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की गुफ्तगू, पूरे मुल्क की साफत, पूरे मुल्क की 19, 20, 21, 22 सारा उसी के गिर्द घूम रहा है। माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, एक बयान आ गया, नहीं आ गया, उधर से आ गया, नहीं आ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो उनको सजाएं ठीक थी, सजाएं गलत थी, और आज ये केस, आज वो केस, सारा उन्हीं की तरफ चल रहा है। उसकी वजह यह ना कि ये साख लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस, फार्म 47 की जाली हुकूमत है। तो इसलिए जब ये मुबैना तौर पर, चारों मुबैना लगा दीजिएगा, मुबैना तौर पर ये बड़ी थोड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कल कोई आगे साबित करके नहीं, इन्होंने ये मेरे लास्ट प्रोग्राम है तो वहां पे भी इसलिए चक्का मारा था, तो मेरे बीच में रोकना पड़ा था इन्होंने, ऑन चौधरी को भी इल्जाम लगा दिए थे ड्रग्स के। नहीं नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे। मैं कह रहा था कि अतात आरड साहब कह रहे थे कि ये ड्रग सप्लायर है इमरान खान का, ये नहीं कहा था ना आपने? नहीं, आपने डायरेक्टली चौधरी साहब पे लगा दी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं, कॉमन सेंस भी कॉमन सेंस होती है। दो जुमले भी ला लो। नहीं, फ्लो में मुस्लिम लीग की बात हो रही थी, हुकूमत की बात हो रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा कि ये तो आपने अचानक रोका कि ये आपको, मैंने भी यही कहा था मुबैना तौर पे सर, उधर मुबैना नहीं है ना, वो तो उन्होंने बयान दिया हुआ है ना, उधर मैं कैसे मुबैना, वो सच्ची, वो सच कह रहे हैं, उनकी मान लेते हैं मेरा मुबैना। अच्छा अच्छा, लेकिन ये मुबैना तौर पर सारा कुछ है तो क्या करेंगे? क्या नहीं सर, वो अब तो नून लीग ने ये फैसला किया ना कि मियां साहब बस ये आने लगे हैं, आइंदा चंद दिनों के अंदर बतौर सदर वापस आ जाएंगे, तो फिर कुछ। अच्छा, मुझे इसमें बड़ा क्यूट से सवाल है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये अभी भी ये समझते हम 90s वाला पाकिस्तान है और हम सारे बेवकूफ़ है। आप मुझे बताइए, पहले वाला गलत, आपकी बात ठीक है कि 90 का पाकिस्तान नहीं है, आपकी बेवकूफी वाली बात मेरा ख्याल है मान तो क्या इसी वजह से तो नहीं वो बना रहे उनको यार बता दें कि मैं अब कुछ बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, पहली बात ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा नवाज शरीफ को भिजवा दिया। अच्छा, पार्टी को भिजवा, नवाज शरीफ को नहीं, सेक्रेटरी जनरल को भिजवा। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। अच्छा चलो, इसको आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक फैसला मुझे शहबाज शरीफ साहब का बताएं जो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कर रहे हैं या उन्होंने किया हो, पहला। दूसरा इसमें नहीं, मैं प्रॉब्लम क्या सर, मैं आर्ग्यू बिल करने दें, आप करें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उसमें वो अभी काबीना बनाने लगे हैं, आप देखिएगा, बनाएं सर, आप इजाजत है, बनाए बनाए एक तो इनके एंकर्स की ना, ये बड़ी इनके अंदर सर, बहुत देर के बाद किसी शो में आए हैं। नहीं नहीं, बहुत देर के बाद आए ना, नहीं वो भूल गए हैं कि गेस्ट के तौर पर किस तरह बैठे। अच्छा जी, एंकर चुप करके थक गया था, थक गए थे ना एंकर जो होते हैं ना, ये होते हैं प्रोड्यूसर, और जब पीछे बैठे होते हैं ना तो आगे अदाकार कहते हैं मैं इससे बेहतर अदाकारी करूंगा, और पिट जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन इरशाद भट्टी और काशिफ अब्बासी की गुफ्तगू सुनी, इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले की तमाम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लाइव दिखाई जाती रही, मगर इमरान खान को काजी फैज ईसा साहब ने लाइव नहीं दिखाया, बल्कि काजी फैज ईसा ने इमरान खान को लाइव ना दिखाकर अपने आप को एक मरतबा फिर कंट्रोवर्शियल कर लिया और पूरी दुनिया के सामने ये एक मैसेज दिया कि इनका झुकाव वाकई नून लीग की तरफ है, क्योंकि हुकूमत भी यही चाहती थी कि इमरान खान को किसी भी सूरत लाइव नहीं दिखाया जाना चाहिए, और काजी फैज ईसा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। काशिफ अब्बासी ने कहा कि इससे हमें पहले ही अंदाज़ा था कि इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया जाएगा, मगर इसकी कोई लॉजिक तो सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी होगी, काजी फैज ईसा को पूरी कौम को बताना होगा कि आखिर उन्होंने इमरान खान को लाइव क्यों नहीं दिखाया, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम हेयरिंग लाइव दिखाती है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि इनसे तो एक इमरान खान की तस्वीर नहीं संभाली जा रही, ये इमरान खान को भला लाइव कैसे दिखा सकते हैं। काशिफ अब्बासी ने कहा कि एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक आउट हो गई, वो भी इमरान खान की, तो इसके ऊपर ये पूरी की पूरी तहकीक कर रहे हैं कि ये तस्वीर आखिर क्यों लीक हुई। नाज़रीन, हकीकत यह है कि इमरान खान इस वक्त पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और इनके बगैर सिस्टम चलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।